राज्य सरकार ने 94,40,00,000 रुपए का प्रावधान किया है, टीचरों के वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया है। 33,62,96,668 रुपए को दी जाएगी। कुल 1,365 पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार ने जो शॉर्टफॉल होता है, आपको याद होगा कि जो समग्र शिक्षा अभियान में जो स्कीम में जो शॉर्टफॉल होता है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल शेयर रहता है और स्टेट शेयर रहता है, और इससे वेतन भुगतान होता है टीचरों का राज्य में, और जो शॉर्टफॉल होता है जिसकी भरपाई राज्य सरकार करती है, उसके लिए राज्य सरकार ने 94,40,00,000 रुपए का प्रावधान किया है, 9,400,40,00,000। तो ये राज्य सरकार ने अपने ही बजट से 94,40,00,000 रुपए टीचरों के वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया है। कृषि विभाग में एक योजना चलती है जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और ये भामिति द्वारा ये कार्यान्वित होती है, तो उस भामिति के संचालन और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो मैनपावर लगा है और जो वेतन है, ईपीएफ है और जो कर्मी लगे हैं, उनके लिए 33,62,96,668 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। 33,62,96,668 रुपए उनको दी जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग, जो हमारे विभिन्न संचालित छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल, 39 पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय विद्यालय प्लस टू उच्च विद्यालय हैं, तो उनमें विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक एवं 273 गैर शैक्षणिक, कुल 1,365 पदों का सृजन किया गया है, और 49,91,512,512 का व्यय होगा। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो प्लस टू विद्यालय हैं, उसमें जो टीचर्स हैं विभिन्न सब्जेक्ट वार है, उनका हम लोगों ने पद सृजन किया है, उनकी बहाली होगी, और ताकि जितने हमारे कल्याण विभाग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय उच्च विद्यालय हैं, वह जो मानक हैं उसके अनुरूप वो चलें। सरकार ने अपने कार्यालय में जो अवकाश है अगले साल का 2023 का, उसकी भी स्वीकृति दी है, और इसके अंतर्गत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है उसके अंतर्गत इसको नोटिफाई किया जाना है, तो यह सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह अवकाश की स्वीकृति बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट से अगले साल के लिए कर दी, और एक योजना की भी स्वीकृति हुई है, यह जल संसाधन विभाग का है, मधुबनी जिला अंतर्गत लौकेही प्रखंड अंतर्गत बिहिल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास वियर योजना का निर्माण, ₹68,64,63,000 रुपये इसका पुनरीक्षण प्राकलन स्वीकृत किया गया है। यह भू अर्जन और अन्य मामलों में यह योजना फंसी हुई थी, और यह इसका समाधान हो गया है, और जिस कारण से इसका योजना को पुनः चालू करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया गया है।